आप लोग शराब पी रहे हैं? हम इसे नहीं, ये हमें पी रही है। अगर ये ऐसे ही आपको पीती रही तो बहुत जल्दी निकल लेंगे। सचिन छक्का। अरे यहाँ तो मैच आ रहा है, फिर मेरे कमरे में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे कमरे में एंट्री बंद है। एंट्री बंद नहीं है। ए प्रभास इधर आ। अरे आना। प्रभास, नंदिनी के कमरे का केबल तूने काटा है ना? मैंने और क्या क्या काटा है ये मत बताइए। नहीं नहीं, जब तेरी माँ सास बहू के सीरियल देखती पापा, तो हमेशा केबल तू ही काटता था ना, भूल गया? Excuse me, I want to talk to you. एक मिनट बाहर आओ। जा 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 बेटा। पापा जा ना। क्यों क्यों? मैं जब से आई हूँ तब से तो मुझे टॉर्चर कर रहे हो। मेरे केबल की वायर क्यों काटी? हाँ हेलो मैडम, मैंने आपका कुछ भी नहीं काटा है। तुम मेरे कमरे के बाहर खड़े थे, वहाँ कौवा भी था, उसने काटा होगा वायर। हाँ? ये मैं क्या पक रहा हूँ? मैं जब कमरे से बाहर निकली तुम वहाँ बड़बड़ा रहे थे, बिल्कुल कौवे की तरह। मैं कौवे की तरह? मैं आपके लिए इतना नहीं गिर सकता मैडम। इतना तो गिर चुका है, उसके लिए और कितना गिरेगा? तुमसे मुंह लगना बेकार है। अगर मेरे रास्ते में टांग अड़ाई तो टांग कटवा दूंगी। पापा, क्या क्या? देख रहा है साले में कितना घमंड भरा हुआ है। ये भी तो उसी मशीन का है, अकड़ेगा ही। हाँ ठीक है, मैं बैटिंग करता हूँ। अंकल, अरे प्रभास मुंह में कुछ गया? हाँ खाया, पर वो बॉन्ड ने कुछ नहीं खाया। हाँ नहीं खाया? ए चलो चल के पहले खाना खाओ। अरे बढ़ता शरीर है, यूं ही भूखे पेट खेलते रहोगे तो कैसे बढ़ोगे? खाना खाया है तो दिखाओ मुझे क्या खाया। चलो चलो पहले खाना खाओ। छोटे को संभालेंगे, तेरे प्यार का क्या, एक एक करके दिन निकल रहे हैं। अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। खैर छोड़, 5 दिन में पटाऊंगा। मुंह बंद, तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे प्लेन में खड़े खड़े आना पड़ेगा। अरे कौन है? मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करके बिहार में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बुला रहा हूँ तो कहता है कि टाइम नहीं। ला मुझे फोन दे। हाय ऋषि, तुम क्यों नहीं आ रहे? आने के लिए बोलो ना। मैं विश्वा अंकल। हाँ हाँ वही वाले। सुन ऋषि, तू मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे दोस्तों में किसी के बच्चों ने इतनी दूर तक पढ़ाई नहीं की है। तू नंदिनी को तो जानता है ना? हाँ, वो लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। तूने उस गोल्ड मेडलिस्ट को चॉकलेट चोर बना दिया था। अपना कैरेक्टर उठाने के लिए उसके कैरेक्टर को मैंने थोड़ा सा गिरा दिया था। लेकिन इतना क्यों गिराया? इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ। नंदिनी? या डैड? वो नायडू अंकल का बेटा ऋषि है ना, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है उसने। वो फिलहाल बिहार में और यहाँ आने से मना कर रहा है। तुम उसे बुलाओ ना। डैड, हाय ऋषि, हाउ आर यू? डू यू रिमेम्बर मी? दिस इज नंदिनी। या नो ऋषि, तुम्हें मेरे लिए आना होगा, यहाँ बहुत बोरिंग लोग हैं। देखो मुझे ना नहीं सुननी। ओके ओके, सी यू, बाय। डैड वो आ रहा है प्लेन से, पैराशूट से। मुझे लग रहा है नंदिनी तुझे चिढ़ा रही है। अरे वो तो मुझसे पहले से नाराज है, अभी साला ऋषि आ गया बीच में। एक मिनट सुट्टा दे। मुझे पता है तुझे जलन हो रही है, तेरा टेंशन बढ़ता जा रहा है। लड़के का नाम है ऋषि, नाम तो झकास है पर पता है किसका बेटा है? चिलगोजी का बेटा है, मोटा होगा, काना होगा। धक्का मत मार, प्रोडक्शन का कपड़ा नहीं है, पर्सनल कपड़ा है। मेरी बहन को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है, जो भी स्विट्जरलैंड की बात करता है वो उसकी फैन बन जाती है, और अगर इंडिया की बात की तो एकदम गरम हो जाती है, हीटर की तरह। शांत हो जा साला कहीं का। जितना मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा अपने देश से प्यार करता हूँ। मेरे यार, जाने अनजाने में हाफ टिकट ने हमें जानकारी दे दी है। जल्दी से स्विट्जरलैंड के बारे में लंबी लंबी हाँकना शुरू कर। मुझसे नहीं होगा यार। मेरी बात सुन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसका दिल जीतना जरूरी है। क्या बोलना है तू सोच, क्या करना है मैं सोचता हूँ। ए चलो रे। उन ब्लैक टिकट्स को मैं हाफ टिकट लगता हूँ ना, मेरी बहन को स्विट्जरलैंड से सख्त नफरत है। ये! या,
जानते हो स्विट्जरलैंड कितना खूबसूरत है? वहाँ के रोड तक यहाँ के घरों से ज्यादा साफ होते हैं। यहाँ सिर्फ एसी से कमरा ठंडा होता है और वहाँ तो पूरा का पूरा देश ही ठंडा रहता है। यहाँ सड़कों में, घरों में जहाँ देखो यहाँ वहाँ भीड़ लगी रहती, पर स्विट्जरलैंड चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े घर, यहाँ पर रहने को है ही क्या। मैं तो अगले जन्म में स्विट्जरलैंड में ही पैदा होना चाहूंगा। स्टॉप इट! कोई कमी रह गई क्या? तुम इंडिया के बारे में जानते ही क्या हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? यहाँ हर तरह का सुख अवेलेबल है। यहाँ इंसानों के बीच सच्चा प्यार है, और प्यार क्या होता है ये आखिर तुम जान ही कैसे सकते हो? तुम तो कभी स्कूल ही नहीं गए हो ना, जो हर साल एक ही क्लास में 8-8 बार फेल होता हो वो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में क्या जाने। यहाँ के घरों में भले ही भीड़ होती हो पर लोगों के दिलों में बहुत जगह है, और इसीलिए तुम जैसे लोगों को भी लोग झेल लेते हैं। इतने दिनों बाद तुमसे मिली तो लगा था कि तुम सुधर गए होगे। यहाँ आने के बाद मैंने जाना कि मैं क्या मिस करती आई हूँ। यहाँ कितना प्यार और अपनापन मिलता है। मैं हर जन्म में यहीं पैदा होना चाहती हूँ। आई लव इंडिया एंड आई हेट यू। बेटा प्रभा, अगर ये पलटी तो इसके दिल में कुछ कुछ होता है। इसके दिल में तो बहुत कुछ होता है। सपने मत देख। तेरी? जब नंदिनी तुझे घास नहीं डालती तो तू क्यों चाट रहा है? अब चलना घर चलते हैं। अरे अकल का ढक्कन, चल तू इधर आके बैठ। मैंने हिम्मत हारी है, हौसला अब भी कायम है। अब देख चुटकी बजा के कैसे उसको अपने चंगुल में लेता हूँ। बहुत मुश्किल है। मेरी बहन को बैडमिंटन बिल्कुल पसंद नहीं, उसे बास्केटबॉल पसंद है। आइडिया। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की ऐसी की तैसी। तेरी बहन को जो भी पसंद हो हमें क्या फर्क पड़ता है? तू तो हमसे झूठ बोल रहा है। तू चाहता है हम बास्केटबॉल कोर्ट तैयार करें और हमारा पोपट हो जाए? तेरी तो भाग यहाँ से। ए छोटे भाग, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। भाग, भाग। तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? ये सारे फुल टिकट मुझे हाफ टिकट समझते है ना? मेरी बहन को बास्केटबॉल से प्यार है। सुनो, बास्केटबॉल कोर्ट तैयार करो। अरे तू पागल हो गया है जो उसकी बात पर यकीन कर रहा है? वो छोकरा बहुत चालू खोपड़ी है, बास्केटबॉल है करेक्ट। ए नंदिनी, कहाँ भागी जा रही हो? वो वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, मैं देखने जा रही हूँ। प्रभास, मैं भी खेल सकती हूँ? यस। प्रभास, तेरा प्लान हिट हो गया। या! अब मेरा बेटा आ रहा है। चिलगोजे का छिलका। प्रभास, तो गेम शुरू करें? देखो देखो, ऋषि ने बॉल छीन लिया। अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। शाबाश, क्या बात है, चलो अब खाना खा लो। ताकत आएगी।
कुत्ते का बेटा है, मोटा होगा, काना होगा, लूला होगा। अरे बच्चों, तुमने खाना खाया? अंकल, मेरे हाथ से खून होने वाला है। हाँ हाँ बेटा, खून भी कर लेना। चलो पहले चलकर खाना तो खा लो। अंकल, ऋषि के आने के बाद अब हमारी याद आई है जब हमारी भूख मर चुकी है। ऋषि के आने के बाद ना हमें खाना है चिकन और ना ही हमें पीना है कॉटन 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 कॉटन। अरे इसे अचानक क्या हो गया? खाने के बाद ठीक हो जाएगा, ले जाइए। चलो चलो, इसीलिए तो मैं कह रहा था, मैंने आते ही खाने के लिए पूछा था। चलो नेक्स्ट आइटम, मिस्टर ऋषि। ऋषि पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी चैंपियन है। वो अभी हमारे सामने बर्फ की सिल्ली को तोड़ेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और बच्चों, तालियां। इसे देख के मुझे अपनी बॉडी याद आ रही है। देखा नंदिनी कितनी खुश हो रही है, तू भी जाके बर्फ तोड़ना जाना। मार्शल आर्ट जो है वो टेक्निक का खेल है और मैं बेकार में टुंडा बनना नहीं चाहता। यार तू हीरो की तरह बात करना। हीरो सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी होता है। क्यों प्रभास, कर सकता है क्या? आजा आजा, कोशिश कर ले। जाना मत, तुझे चने के पेट पे चढ़ा रहा है। पूरी रात नहीं है मेरे पास, चला जा। स्टॉप इट, रुक जा। ऋषि, टूटे हुए बर्फ को तोड़ना कोई बहादुरी नहीं। टूटा हुआ नहीं अंकल, नया पीस देता हूँ ना, ये लेके आ रे। ये तो लड़कियां भी कर लेती हैं, तू तो हीरो है। नहीं ऋषि, बेटा यहाँ आओ। पापा रुक जाओ। अंकल ये कर लेगा, दिखने में भी स्ट्रॉन्ग ही है, एक बार ट्राई कर लेगा, पता चल जाएगा कितना है दम। ताकत नुमाइश की चीज नहीं होती, जरूरत पड़ने पर खुद बाहर आ जाती है। चलो बेटे कोने में। अरे अब आप हटो ना। मैंने कहा ना नहीं। हे म्यूजिक चलाओ, हे बंटी डांस करो। अब आप चलो बेटे, मैं तोड़ लूंगा। आप क्यों फिक्र कर रहे हो? मेरे साथ कोने में चलो, तुम्हें कुछ बताना है। क्या हो डैडी? जज्बाती मत बनो, तुम्हारे अंदर का हाल समझ रहा हूँ। ओके ओके, अरे ऐसा होता है।